हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो इन मेट्रोलॉजी वी वर डिस्कसिंग अबाउट लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट इज व्हाट इज काइंड ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ टॉलरेंस, जिसमें कि हमने ये देखा था कि कौन कौन से हमारे टॉलरेंस होते हैं। उसमें हम दो टॉलरेंस के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। क्लासिफिकेशन में हमने चार पढ़े थे, पहला था यूनिलेटरल, दूसरा बाइलेटरल, तीसरा आपका कंपाउंड और चौथा जो है जियोमेट्रिकल। ठीक है, जिसमें से हमने यूनिलेटरल और बाइलेटरल के बारे में एक ब्रीफली जो है वो पढ़ा था। अब नेक्स्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे कि हमारा कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड टॉलरेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है बेसिकली। उसके अलावा हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस क्या होता है, या ज्योमेट्रिक टॉलरेंस जिसको बोलते हैं। आइए देखते हैं पहले कंपाउंड टॉलरेंस के बारे में। तो अगर हम बात करें कंपाउंड टॉलरेंस की, तो एक्चुअली में होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको डिजाइन करना है, कोई भी वर्क पीस है जिसको आपको बनाना है, मैनुफैक्चर करना है। अब अगर आपको मान लीजिए लेंथ में डायमेंशन देनी है, या ब्रिथ में देनी है, या हाइट में देनी है, आपको टॉलरेंस देनी है, तो वो हो गया वो यूनिलेटरल, या हो सकता है बाइलेटरल भी हो। ठीक है, मतलब कि इन दोनों में से कोई होगा। लेकिन सोचिए आपको टॉलरेंस देना है लेंथ में, लेकिन देना है 50 एंगल पे, 40 एंगल पे, मतलब एक साथ आपको दो चीज़ों में टॉलरेंस देना है, या दो से अधिक चीज़ों में टॉलरेंस देना है। समझ रहे हैं? मतलब आपको लेंथ भी देना है, आपको एंगल पे भी देना है, या आपको विड्थ में भी देना है, आपको लेंथ में भी देना है, आपकी थिकनेस भी बढ़नी चाहिए साथ साथ, और आपकी क्या नाम है एंगल्स भी जो है पर्टिकुलर वो मेंटेन रहना चाहिए, एंगल्स में भी टॉलरेंस देना है। उस केस में जो है आपको केवल एक डायमेंशन में टॉलरेंस देने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे केसेस जहाँ राइज होते हैं, जहाँ पे हमें एक से अधिक डायमेंशन में टॉलरेंस देना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड टॉलरेंस बोलते हैं। चलिए बात करते हैं। अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका डायमेंशन आपको 20 mm दिया हुआ है, मतलब लेंथ 20 है, ब्रेथ उसकी जो है वो एक साइड आपकी, चलिए मैं आपको 2D से बता रहा हूँ, लेकिन अगर यही चीज़ यही ऑब्जेक्ट 3D में रहेगा, ठीक है, ये आपको मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, अब ये इसका अभी फ्रंट व्यू है। अगर साइड व्यू से देखेंगे तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे नजर आएगा टॉप व्यू में, ठीक है। अगर साइड व्यू से देखेंगे तो हमें केवल एक जो है इसकी ये शेप नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, आपको मान लीजिए अब इसकी लेंथ जो आपको दी हुई है, ये लेंथ तो आपको दी हुई है, लेकिन साथ ही आपको ये जो एंगल है, मान लीजिए ये 10 डिग्री का है, ठीक है, और ये लेंथ आपकी जो है L मान लीजिए प्लांट हाइट, ये मान लीजिए 20 है, ठीक है। अभी आपको टॉलरेंस देना है लेंथ में, लेकिन ये जो एंगल है इसको भी मेंटेन करके रखना है, ये एंगल भी हमारा 10 डिग्री मेंटेन रहे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें जो है एंगल का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, और प्लस क्या करना पड़ेगा, स्लांट हाइट दैट इज एल। हमें टॉलरेंस को इस प्रकार देना है कि हमारी
स्लांट हाइट के साथ साथ जो एंगल है वो भी मेंटेन रहे, वो भी हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो हमें लिमिट, जो आपकी गिवन लिमिट है उसमें एंगल हमें मिल जाए, है ना। तो इस तरीके के जो आपको टॉलरेंस अगर आपको देना पड़ता है तो इस टॉलरेंस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड टॉलरेंस बोलते हैं। अब अगर बात करें, मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है, आप कंपाउंड टॉलरेंस नहीं ले रहे हैं, है ना, आपने यूनिलेटरल या बाइलेटरल टॉलरेंस केवल लिया है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड शेप में नहीं बनेगा, शेप उसका ख़राब हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप अगर 60 डिग्री को छोड़ देंगे तो ये 60 डिग्री चेंज हो जाएगी, इसकी डायमेंशन ये 60 नहीं रह जाएगी, ये आउट ऑफ रेंज चली जाएगी, आउट ऑफ लिमिट चली जाएगी, है ना। अगर स्लांट हाइट की बात करें, अगर आप वहाँ पे मान लीजिए आपने 60 में ही डिग्री में ही टॉलरेंस दिया एंगल पे, तो आपकी लेंथ वेरी कर जाएगी, आउट ऑफ रेंज चली जाएगी। वैसे यूजली अगर देखा जाए तो हम प्रैक्टिस में जो है कंपाउंड टॉलरेंस को अवॉइड करते हैं, मतलब कि हम जहाँ तक हो सके कंपाउंड टॉलरेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे जो आपको रेशियो ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या आपको कह लीजिए रेशियो ऑफ जो मटेरियल होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा वो वैरी कर जाता है ना। अलग अलग अगर आप कंपाउंड लेंगे तो वो जो रेशियो होता है वो हम एक्चुअली में गेन नहीं कर पाते हैं और वैरी कर जाता है, उतना एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिल नहीं पाता है। इसलिए क्या करते हैं कि अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड टॉलरेंस की, तो हम कंपाउंड टॉलरेंस में यूजली जो है कंपाउंड टॉलरेंस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम टॉलरेंस लेते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली इसीलिए लेते हैं कि हमें एक्चुअल साइज जो है ऑब्जेक्ट की मिल जाए, है ना। लेकिन अगर हमें मोर स्पेसिफिकली या कह लीजिए मोर करेक्टली जो है वो रिजल्ट्स गेन करना है, मतलब कि जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है उसमें कम से कम वेरिएशन हो, है ना, मतलब कि एग्जैक्ट डायमेंशन हमें मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर आप बात करें चाहे वो लेबरिंग स्किल की, चाहे आप बात करें ऑब्जेक्ट के जो आपका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स हैं और आपकी मशीन्स हैं उनकी, उन्हें हमें हायर क्वालिटी की रखनी होती है। क्यों, नहीं तो जो हमारी रिक्वायर्ड डायमेंशन है ना, विद एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी वो गेन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हाई क्वालिटी के मशीन रखेंगे, हाईली स्किल्ड जो है वो वर्कर रखेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या है कॉस्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, पैसा भी ज़्यादा खर्चना पड़ेगा, है ना। इसलिए अगर बात करें तो ऐसे कंपोनेंट्स की जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जहाँ पे हमें हाईली स्किल्ड लेबर और हाईली एक्यूरेट हाईली प्रिसाइज जो है मशीन चाहिए होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की या जो प्रोडक्ट की रिलेबिलिटी है वो आपकी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, लेकिन आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, इकोनॉमिकली वो कंपोनेंट क्या हो जाता है, थोड़ा कॉस्टलियर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो आपके डिजाइनर्स हैं या कह लीजिए जो आपके इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, या जो आपके कह लीजिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको इन सब चीज़ों की जो क्या नाम है डायमेंशनल रिलेशन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट की, उसको क्या नाम है उनको इन डेप्थ नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए, है ना, मतलब कि जो उसकी डायमेंशंस हैं उनका ज्योमेट्रिकल रिलेशन आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या आएगा, अगर ज्योमेट्रिकल रिलेशन पता है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बहुत आसानी से ये पता चल पाएगा कि
कि किस तरीके से एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन पे डिपेंड है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम टॉलरेंस आसानी से प्रोवाइड कर पाएंगे, बेटर टॉलरेंस प्रोवाइड कर पाएंगे, हाईली एक्यूरेट जो है प्रोडक्ट गेन कर पाएंगे। तो अगर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस की बात करें तो जो डायमेंशंस होती हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की डायमेंशंस होती हैं या रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के बीच में, पार्ट्स के बीच में, वो अच्छे से हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट में फिट होना है, और अगर आपको उनके बीच का रिलेशन नहीं पता है, ज्योमेट्रिक रिलेशन नहीं पता है, तो वो क्या होगा, आसानी से इजिली फिट नहीं होगा, फिट होने में दिक्कत होगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये आपका इशू क्रिएट करेगा, मतलब कि आपका प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उन पार्ट्स को मिलाने के बाद वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो जो ज्योमेट्रिक रिलेशन है पार्ट्स के बीच में, डायमेंशनल रिलेशन ऑब्जेक्ट की, वो जो है पता होना चाहिए। तो फिर वहाँ पे हम टॉलरेंस आसानी से देकर और प्रोडक्ट की जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है उसको गेन हम कर पाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम मेटल कंडीशन। देखिए मान लीजिए अगर हम बात करें मैक्सिमम या मिनिमम मेटल कंडीशन की, आई होप आप लोग को मैंने इसके पहले जो है डिटेल में एक बार डिस्कस किया है, हाँ बस नाम नहीं बताया है कि इसी को हम मैक्सिमम या मिनिमम मेटल कंडीशंस बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशन 40 प्लस माइनस 0.05 है, मतलब कि उसकी डायमेंशन क्या है 40 mm है, और 0.05 प्लस माइनस का टॉलरेंस आपको यहाँ पे दिया गया है ना। तो अगर बात करें मैक्सिमम मेटल लिमिट की, तो दैट इज अपर लिमिट ऑफ दिस शाफ्ट, है ना, यही आपका क्या होगा, मैक्सिमम मेटल लिमिट होगा। अपर लिमिट क्या होगी, हम क्या करेंगे 40 प्लस 0.05 कर देंगे, तो ये 40.05 mm इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मेटल लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि आप देखिए मैक्सिमम मेटल कंडीशन, जब मैक्सिमम डायमेंशन होगी तभी तो मैक्सिमम मेटल भी मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, ऑब्जेक्ट के वर्कपीस के मैन्युफैक्चरिंग में तभी मैक्सिमम मेटल भी लगेगा, ठीक है। तो जब ये डायमेंशन होगी यानी कि हायर डायमेंशन होगी, तो जो मेटल में लगने वाला आपका मटेरियल होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ मेटल, है ना, मैक्सिमम मेटल कंडीशन, यानी कि हायर लिमिट पे जितना भी मैक्सिमम मेटल लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मेटल कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करें लोअर डायमेंशन की, मतलब कि मिनिमम कितना मेटल जो है मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्जेक्ट के लग सकता है, तो उसमें क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट की लोअर लिमिट को कंसीडर करेंगे। अब अगर लोअर लिमिट की बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ये क्या होगा 40 माइनस 0.05 mm, क्योंकि आपको टॉलरेंस 0.05 mm का दिया हुआ है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 39.95, है ना, 39.95 ये आपकी मिनिमम लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब कि जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी मिनिमम लिमिट इतनी हो गई, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग में आपका मेटल रिक्वायर्ड होगा वो कम से कम रिक्वायर्ड होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे लीस्ट मेटल लिमिट, यानी कि LML, और उसको बोलेंगे मैक्सिमम मेटल लिमिट, दैट इज MML। तो LML का मतलब लीस्ट मेटल लिमिट, यानी कि कम से कम जब मेटल की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल व्हेन कंसीडर्ड, एंड इफ वी टॉक अबाउट मैक्सिमम मेटल लिमिट देन वी हैव टू कंसीडर अवर मैक्सिमम लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हम किसी होल के डायमेंशन की बात करें, मान लीजिए होल का डायमेंशन क्या है 45 है, तो
जो आपके होल की मिनिमम लिमिट होगी। हाँ तो देखिए होल में थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे है अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए होल में अगर हम किसी होल को कंसीडर करें, मान लीजिए पहले अगर हम किसी शाफ्ट को कंसीडर कर रहे थे, मान लीजिए ये हमारे पास शाफ्ट है, ठीक है, ये कोई हमारे पास शाफ्ट है, ठीक है। अब ये जो आप हैचिंग लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, शाफ्ट की जो मिनिमम लिमिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। शाफ्ट की मान लीजिए ये एक्चुअल डायमेंशन है, ये कितनी है आपको, 40। अब आपको टॉलरेंस कितना दिया हुआ है, 0.05 mm का, ठीक है। मतलब कि अगर हम इस डायमेंशन की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40.05 ऐड कर देंगे, अगर हम अंदर वाले डायमेंशन की बात करें तो ये हमारी होगी 39.95। तो जब हमारी 40.05 होगी तभी हमें, अगर हम शाफ्ट को डिजाइन करेंगे तो हमें मैक्सिमम लिमिट मिलेगी, है ना, मैक्सिमम मटेरियल जो है इसी डायमेंशन में लगेगा। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम मेटल लिमिट, दैट इज MML, और ये क्या हो गया LML, लीस्ट मेटल लिमिट, है ना, ये आपका हो गया LML। इसी तरीके से थोड़ा होल में देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास अगर होल है, ठीक है, अब हम इसको होल कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर अगर हम बात करें, मान लीजिए इसकी डायमेंशन आपको दी हुई है 45, तो अगर हमें होल की साइज जो है वो क्या करनी है, अभी इतना हमारा होल है, होल की साइज हमें बड़ी करनी है ना, तो यहां पे क्या होगा कि हम थोड़ा सा ड्रिल करेंगे, है ना। अब देखिए अभी क्या हो गया, अगर हम यहां पे कर दिए, हमने यहाँ पे होल कर दिया, तो अगर हम यहाँ पे जो हमने होल की साइज बड़ी करी, और एक केस ये कंसीडर करिए जो हमने होल की साइज छोटी कर दी, तो जो होल होता है आपका वो हमेशा क्या होता है, हमेशा किसी मटेरियल के अंदर होता है। तो जब हम लोअर साइज कंसीडर करेंगे तो हमारे हमें मटेरियल की थिकनेस कितनी मिलेगी, हमें मटेरियल की थिकनेस जो है अगर हम लोअर साइड कंसीडर करें तो हमें थिकनेस ये मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि जब हमने लोअर साइड यानी कि आपकी लोअर लिमिट कंसीडर करी, मान लीजिए ये आपकी यहाँ जब था तो ये डायमेंशन आपकी 45 है, ठीक है, ये डायमेंशन आपकी 45 है। अब अगर हमने लोअर साइड कंसीडर करी यानी कि इस डायमेंशन की बात करी, लोअर लिमिट कंसीडर करी, तो आपकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 39.0 सॉरी
पॉइंट समथिंग हो जाएगी, यानी कि 44.95 है ना। और अगर हम इसके ऊपर वाली डायमेंशन कंसीडर करेंगे, दैट इज अवर लिमिट, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 45.05। ठीक है, तो मतलब कि ये मैक्सिमम लिमिट हो गई और ये 44.95 मिनिमम लिमिट हो गई। तो आप देखें मैक्सिमम लिमिट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, केवल ये वाला जो पोर्शन है आपका ये बचेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका बचेगा। तो इस केस में क्या होगा, मिनिमम जो है आपका या लीस्ट मेटल, आप कह लीजिए लीस्ट मेटल कंडीशन है ना, जिसको आप, या लीस्ट मेटल लिमिट यहाँ पे होगी है ना। मतलब कि जब हमारी लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम लिमिट होगी या अपर लिमिट होगी, तो यहाँ पे मेटल कौन सा होगा, लीस्ट मेटल कंडीशन होगी या लीस्ट मेटल लिमिट ये है ना। सर ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब बात करें जब हमारी लोअर लिमिट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम मेटल कंडीशन, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोअर लिमिट पे कंसीडर करेंगे तो हम कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे है ना। अब जब हम यहाँ तक लेंगे तो आप देख रहे होंगे जो मेटल की थिकनेस है आपकी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मेटल मिलेगा। तो होल की कंडीशन में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जस्ट जो है अपोजिट होगा, जैसे कि आपको बताया साफ की कंडीशन में जब आपका हायर लिमिट होती थी, यानी कि अपर लिमिट होती है, या जब आपकी डायमेंशन अपर लिमिट पे कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम मेटल लिमिट मिलता है, ML मिलता है ना। लेकिन अगर होल के कंडीशन में जब हम हायर लिमिट कंसीडर करेंगे तो आपको मिनिमम या लीस्ट मेटल कंडीशन मिलेगी या लीस्ट मेटल लिमिट मिलेगी। सेम चीज़ अगर हम साफ के केस में लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे तो हमें लीस्ट मेटल लिमिट मिलेगा, और अगर हम हायर लिमिट कंसीडर करेंगे तो हमें, अगर हम लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे होल के केस में तो हमें मैक्सिमम मेटल कंडीशन मिलेगा, और जब हायर लिमिट कंसीडर करेंगे तो लीस्ट मेटल कंडीशन मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, चलिए मूव करते हैं, यहाँ पे भी आइए देख लीजिए एक बार, ये आपका शाफ्ट है, तो शाफ्ट की लोअर लिमिट ये रही है ना, ये जो है LML जहाँ पे लिखा है ये आपके शाफ्ट की लोअर लिमिट है, ये आपके शाफ्ट की हायर लिमिट है। तो जब लोअर लिमिट शाफ्ट की थी तो देखिए इतना ही मेटल शाफ्ट में था, लोअर वाली ये नीचे वाली लाइन के नीचे, ठीक है, तो यानी कि लीस्ट मेटल लिमिट हो गई। और जब हायर लिमिट थी तो ऊपर वाली जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ तक मेटल था, ठीक है टोटल, तो ये आपकी मैक्सिमम मेटल कंडीशन होगी। लेकिन अगर होल की बात करें तो जब आपका होल की मान लीजिए बेसिक साइज ये है बीच वाली, ठीक है, बेसिक साइज से जब आपकी मेटल लोअर लिमिट में थी, यानी कि यहाँ पे थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम मेटल, क्यों मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि हमें थिकनेस देखनी है, तब वहाँ पे हमें थिकनेस ही, यानी कि मेटल कितना इन्वॉल्व है ना भाई, होल में तो मेटल होगा नहीं, मेटल तो थिकनेस में होगा, तो थिकनेस जब हम लोअर लिमिट लेते हैं तो बढ़ जाती है, और जब अपर लिमिट लेते हैं तो हमारी थिकनेस घट जाती है। तो जब लोअर लिमिट होगी तो वहाँ पे मैक्सिमम मेटल लिमिट होगी, और जब हायर लिमिट होगी तो वहाँ पे आपका लोअर लिमिट, लोअर मेटल लिमिट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिट। तो अगर हम बात करें फिट की, तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? मान लीजिए आपको पर्टिकुलर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, या मशीन कंपोनेंट बनाना है, तो वो क्या होता है? ऐसा तो है नहीं, बहुत से कास्टिंग प्रोसेसेस होती हैं जिसमें हम डायरेक्ट कास्ट कर देते हैं, और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे हम दो या तीन या चार या और कई पार्ट्स के असेंबल करके फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम असेंबलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक दो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में क्या होता है, उनको हम मिलाते हैं, मेट करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो जब भी हम दोनों पार्ट को मेट करेंगे या मिलाएंगे, है ना, एक दूसरे से जोड़ेंगे, तो वहाँ पे उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक रिलेशन होना चाहिए, हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। जब उनके बीच में हमें वो रिलेशन पता रहेगा तो हम जो है एक्यूरेटली उन्हें एक दूसरे से जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो वो जो रिलेशन होता है वो हमें कौन देता है? वो फिट देता है। वो रिलेशन जो दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में ड्यूरिंग असेंबली होता है वो हमें किससे मिलता है? फिट से मिलता है। तो वैसे भी अगर हम बात करें कि हमें कब ये पता चलेगा कि हमारी फिट सही है गलत है, तो अगर जब आपके मेटिंग पार्ट्स जो है या जो आपकी असेंबली है वो आपकी सही से फंक्शनैलिटी करे, फंक्शन करे जिसके लिए वो बनाई गई है, दैट मीन्स कि आपका फिट सही है, और अगर वो रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं कर रहा है सही से परफॉर्म, तो आपका फिट सही नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम फिट की बात करें तो इसको अगर डिफाइन करने की बात आए तो इट्स अ डिग्री ऑफ लूजनेस और टाइटनेस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, ठीक है। जो एक जो पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से मैच मेट कर रहे हों उनके बीच में जो लूजनेस या टाइटनेस है उसी को जो मेजर करते हैं कि कैसे ये लूज है या टाइट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिट बोलते हैं, या कह लीजिए उन पार्ट्स के बीच में ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप जो डेवलप करने वाला टर्म्स है उसको हम क्या बोलेंगे? फिट बोलेंगे, ठीक है। अब बात करें अगर फिट की, तो बेसिकली आपका फिट तीन प्रकार का होता है। पहला होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस फिट, तीसरा होता है ट्रांजिट फिट। तो अब तीनों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, और ये बेसिक बहुत ही जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको प्रॉपरली समझने का प्रयास करिएगा जिससे कि आप अपने कंटेंट को अच्छे से एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाएँ। पहला है हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं आपका क्लियरेंस फिट। तो अगर हम क्लियरेंस फिट की बात करें तो बात करते हैं पहला हमारा दैट इज आपको जो दिया हुआ है क्लियरेंस फिट। देखिए अगर हम क्लियरेंस फिट की बात करें तो जो आपका डायमीटर होता है शाफ्ट का, मतलब कि मैक्सिमम या कह लीजिए लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, जो आपका होल का डायमीटर होगा मिनिमम, उससे क्या होगा? छोटा होगा, है ना। कैसे? अब देखिए आपको क्लियरेंस अगर क्रिएट करना है, अगर आपको क्लियरेंस चाहिए किसी दो ऑब्जेक्ट के दो मेटिंग पार्ट के बीच में, चलिए मान लीजिए हमारे पास अभी कोई दो मेटिंग ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में आपको क्लियरेंस चाहिए। मान लीजिए ये हमारे पास है ना, एक हमारे पास शाफ्ट है तो एक हमारे पास होल है। तो होल का जो डायमीटर है ये रहा, ठीक है, और शाफ्ट का जो डायमीटर है वो मान लीजिए ये है, ठीक है।
ग्राउंड पोजीशन मान ली दोनों की सेम है, ठीक। अब देखिए, अगर हमें क्लियरेंस चाहिए होगा, मतलब कि दोनों के बीच में जो मोशन है वो अलाउ हो चुकी, तो जो लार्जर परमिशिबल डायमीटर होती है आपकी शाफ्ट की, वो लार्जर परमिशिबल डायमीटर आपकी शाफ्ट की क्या होगी? मान लीजिए ये है आपकी लार्जर परमिशिबल डायमीटर, शाफ्ट की इतनी हो सकती है मान लीजिए, और दूसरा जो है आपका स्मॉलर परमिशिबल डायमीटर ये है। इसी तरीके होल, सॉरी ये होल है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका होल है और ये आपका शाफ्ट है। अब अगर इसी तरीके शाफ्ट की बात करें तो इसकी लार्जर परमिशिबल डायमीटर ऊपर साइड और लोअर परमिशिबल डायमीटर नीचे साइड। अब अगर हम क्लियरेंस फिट की बात करें तो जो लार्जर परमिशिबल डायमीटर आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट की है, दैट इज ये है ना, ये जो है एक सेकेंड, लार्जर परमिशिबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट यानी कि आपका ये, अगर ये जो है लोअर परमिशिबल डायमीटर या आप कह लीजिए स्मॉलर डायमीटर ऑफ होल, इससे क्या है ये कम है भाई, तभी तो इसमें आप क्लियरेंस पाएंगे। अब देखिए यहां पे बात करेंगे, तो इतना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, यही जो डिफरेंस होगा यही आपको क्या करेगा, क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि जो आपका स्मॉलर डायमीटर ऑफ होल है ना, वो लार्जर डायमीटर ऑफ शाफ्ट से बड़ा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए जो आपके होल का लार्जर, जो आपके होल का स्मॉलर डायमीटर है मान लीजिए वो है 35.5, और जो आपके शाफ्ट का मैक्सिमम डायमीटर है वो है 35.4 है ना, तो ये क्या हो गया 0.1 mm का आपको यहाँ पे क्लियरेंस मिल गया, क्योंकि शाफ्ट मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, 35.4 तक बड़ा हो सकता है। मान लीजिए इसका स्मॉलर डायमीटर 35.2 है, इसका मान लीजिए स्मॉलर डायमीटर 35.5 है और ये 35.7 है, ठीक है। तो आप किसी भी केस को लीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, चाहे 35.2 लीजिए और इधर 35.7 लीजिए, इनके बीच में डिफरेंस आएगा, ठीक है। कितने का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, 0.5 का। अगर आप 35.5 लीजिए, 35.2 लीजिए, तब भी आपको 0.3 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप 35.5 ले लीजिए, 35.4 ले लीजिए, तब भी आपको 0.1 का mm का डिफरेंस आएगा ही आएगा। कहने का मतलब, किसी भी कंडीशन में अगर शाफ्ट जो है आपके, शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम डायामीटर या अपर लिमिट आपके होल के मिनिमम डायामीटर, लोअर लिमिट या स्मॉलर लिमिट से छोटा है, कम है, तो वहां पे क्या होगा, आपका क्लियरेंस फिट होगा, ठीक है। अब क्योंकि क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि आपके होल और शाफ्ट में गैप होता है, होल और शाफ्ट के बीच में क्या होता है, गैप होता है, तो गैप होगा तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि हमें इनको फिट करने के लिए किसी एक्सटर्नल टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इजीली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मेट कर जाएंगे, फिट हो जाएंगे एक दूसरे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें क्लियरेंस फिट में किसी भी एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत, जो आपका पार्ट होता है उसे असेंबल करने के लिए नहीं पड़ता है, हमें किसी भी एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत पार्ट के असेंबलिंग में नहीं पड़ती है, क्लियरेंस फिट, ठीक।
उसके अलावा अगर बात करें, जहां पे हमें रिलेटिव मोशन चाहिए होगा भाई, क्लियरेंस होगा, देखिए हर जगह गैप आ ही रहा है, हर एक कम्बिनेशन में हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस मिल रहा है ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस मिल रहा है ना, होल से जब माइनस को हम माइनस साफ को करते हैं तो पॉजिटिव डिफरेंस मिल रहा है। तो बात करें क्लियरेंस फिट में, जो हमारा डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आपको रिलेटिव मोशन अगर रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियरेंस फिट को प्रोवाइड करते हैं। अब बात करिए, देखिए अगर आपको स्मॉल क्लियरेंस चाहिए हो, दैट इज जैसे कि आपके ऑब्जेक्ट फिट होते हैं और वहाँ पे क्लियरेंस बहुत कम होता है, तो आपको रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा, बट क्या होगा कि एक दूसरे में फिट हो जाएंगे और रिक्वायरमेंट पड़ने पे उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। अगर जो आपको क्लियरेंस फिट है वो स्मॉलर होगी क्लियरेंस जो आपको रहेगा, अगर क्लियरेंस आपका लार्जर रहेगा तो जो आपके मेटिंग पार्ट होंगे या कह लीजिए असेंबलिंग पार्ट होंगे उनके बीच में आप आसानी से मूवमेंट यानी कि कह लीजिए रोटेशन करवा सकते हैं। जैसे कि आपका शाफ्ट, जब आपके बुश होते हैं बुश में शाफ्ट लगा रहता है तो आसानी से क्या करता है, बुश में घूमता रहता है, तो वहाँ पे आपका जो क्लियरेंस होता है वो लार्जर क्लियरेंस होता है, ठीक है, वहाँ पे रोटेशन भी परमिजिबल होता है। लेकिन अगर यहीं पे आपका रोटेशन परमिजिबल ना हो, केवल हम लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं तो इजिली रिमूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको स्मॉलर क्लियरेंस फिट दिया रहता है। अब देखिए क्लियरेंस फिट में भी अगर हम बात करें तो अगर इसको भी क्लासिफाई करें तो ये दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला क्या है स्लाइडिंग फिट और दूसरा क्या है रनिंग फिट। तो जब क्या होता है, जो मेटिंग पार्ट होते हैं या असेंबलिंग पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्शन में, एक दूसरे के अलोंग जो है स्लाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपका छाता होता है, छाता जो खोलते हैं तो ऊपर की तरफ फैल जाता है, तो जो उसमें रॉड लगी रहती है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है, बड़ा हो जाता है वो रॉड, पकड़ने वाली रॉड, तो वहाँ पे क्या है, वो आपका परफेक्ट एग्जांपल है स्लाइडिंग फिट का। यानी कि आपको क्लियरेंस तो है ही, तभी मूवमेंट हो रहा है और आसानी से क्या हो रहा है, स्लाइड होके बड़ा हो जा रहा है साइज, एक दूसरे पे पार्ट क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड फिट बोलते हैं। जैसे कि आप पंच देख लीजिए, पंच और डाई का एग्जांपल, वहाँ भी सेम चीज़ होती है, एक दूसरे में, एक दूसरे के अलॉन्ग जो है वो स्लाइड करके आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका स्लाइडिंग फिट, या जिसको आप हिंदी में कहिए तो सरक फिट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लियरेंस फिट का, रनिंग फिट। तो रनिंग फिट जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो आपका बुश होता है उसमें शाफ्ट आसानी से रोटेट कर पाता है, तो मतलब कि अगर मेटिंग पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है रोटेशन कर पाएँ, एक दूसरे के एक्सिस के अलॉन्ग जो है रोटेट कर पाएँ, तो ऐसी जो फिट जो आपको मिलती है उसको क्या बोलते हैं, रनिंग फिट, या जिसको हिंदी में आप कहें तो अविरल फिट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। आइए देखते हैं इंटरफेरेंस फिट के बारे में। इंटरफेरेंस फिट की बात करें तो यहां पे क्या होता है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, यूजुअली आप देखिए तो जब किसी के बीच में बात विवाद होता है तो कहते हैं ना, मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, वहीं से शब्द बना इंटरफेरेंस। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, टांग अड़ाना, अवरुद्ध करना, रोकना, लटका देना, है ना। तो यहाँ भी क्या होता है कि अगर जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस फिट की,
तो क्या होता है कि जो मोशन होता है, जो रिलेटिव मोशन होता है, उसको क्या करते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है ना। इंटरफेरेंस फिट में जो रिलेटिव मोशन होता है ऑब्जेक्ट के बीच में, कंप्लीटली क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो आपका इंटरफेरेंस फिट होता है, इसमें जो आपकी शाफ्ट की मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर होती है, मतलब कि मैक्सिमम डायमीटर, और जो आपकी होल की मैक्सिमम डायमीटर होती है, जो शाफ्ट होता है उसकी मैक्सिमम डायमीटर होल के मैक्सिमम डायमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। हाँ सॉरी, एक बार फिर से देखिएगा, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, फिर से सुनिएगा। जो आपका मिनिमम डायमीटर होता है होल का, है ना, मिनिमम डायमीटर ऑफ होल जो होता है, और जो आपका शाफ्ट का देखिए, इंटरफेरेंस फिट में मान लीजिए आपके पास एक कोई होल है, और यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा जो है एक शाफ्ट है, ठीक है, एक सेकेंड, जो बेस है दोनों का सेम बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास शाफ्ट है, और यहाँ आपके पास क्या है, एक होल है, और इनका बेस जो है सेम है, ठीक है। अब बात करें मैक्सिमम डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट, तो ये होगा, अगर मिनिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट की बात करें तो मान लीजिए ये है, ठीक है, इसी तरीके से जो आपका होल है इसकी मैक्सिमम डायमीटर आपकी ये दी हुई है, और जो आपके होल की मिनिमम डायमीटर है वो मान लीजिए ये, ठीक है। अब आप देखिए, जब जो आपका मिनिमम डायमीटर ऑफ योर शाफ्ट, यानी कि ये लाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द होल, मतलब कि इससे, तो देखिए जब शाफ्ट की जो मैक्सिमम डायमीटर है वो होल के, ओ जो शाफ्ट की मिनिमम डायमीटर है वो होल के मैक्सिमम डायमीटर से अधिक है, इस केस में ये जो होगा ये आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा, और डिफरेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि हम जब डिफरेंस की बात करें तो डाया ऑफ होल माइनस डाया ऑफ साफ करते हैं, है ना, डाया ऑफ साफ। अब देखिए, चूंकि शाफ्ट का जो भी डायमीटर है वो होल से बड़ा है, चाहे वो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, है ना, और होल की मैक्सिमम साइज से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के बीच में जो है इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेयर, इंटरफेरेंस मतलब कि एक दूसरे को ये क्या कर जाएगा, शाफ्ट की डायमीटर होल की डायमीटर को एक्सीड कर जाएगी हर केस में, हर पॉसिबल केस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो फिट होगा वो टाइट होगा, मतलब कि
जब हम मैक्सिमम डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट लेंगे और यहाँ पे मिनिमम डायमीटर ऑफ दिस होल लेंगे, तो आपको हाईली टाइट जो है एक फिट मिलेगी, या कह लीजिए जो मेटिंग पास के बीच में कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही हाईली टाइट होगा। इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं, अगर इंटरफेरेंस है मतलब कि जो ऑब्जेक्ट के बीच में आपकी फिट है वो हाईली टाइट है। ठीक है, यहाँ पे अब क्योंकि क्या करेगा, इतनी डायमेंशन जो आपकी जितना जो ये डिफरेंस है, ये क्या करेगा इनके मेटिंग में अवरुद्ध उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, मतलब कि ये प्रॉपरली आसानी से एक दूसरे के अंदर जो है नहीं जा पाएंगे, फिट नहीं हो पाएंगे। इस केस में क्या होगा कि हमें एक्स्ट्रा टूल चाहिए होगा, इनको फिट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टूल चाहिए होगा जिसकी सहायता से क्या करेंगे हम इनको फिट करेंगे। अब अगर बात करें मेटिंग पार्ट्स की, जिनमें क्या नाम है इस तरीके के फिट होते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस फिट, तो यहाँ पे अगर आप इंटरफेरेंस फिट किसी भी मीटिंग पार्ट को देंगे तो जनरली वो क्या करते हैं, उनको आप फिर रिमूव नहीं कर पाएंगे, वो परमानेंटली मेट हो जाएंगे, परमानेंटली फिट हो जाएंगे, फिर उनको आप आसानी से रिमूव नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इनको फिट करने के लिए कभी कभी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हीट ट्रीट करते हैं। हीटिंग करने से क्या होता है कि ये आसानी से एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। उसके बाद जब कूलिंग होती है तो जो इनके बीच फिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है और हम फिर इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जो आपके होल और शाफ्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। नेक्स्ट जो है हमारा, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ पे आइए आपके बुक में एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि ये आपका होल है, तो आप देखिए होल की जो मैक्सिमम साइज है वो ये डॉटेड लाइन, ये जो हम कर्सर है यहाँ पे, ये होल की आपकी मैक्सिमम साइज है, जबकि ये साइज आपको दिख रही है जो आपका शाफ्ट है उसकी मिनिमम साइज से भी कम है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, आपका मिनिमम इंटरफेरेंस होगा, मतलब कम से कम इतना इंटरफेरेंस तो होना ही होना है हर केस में, इससे कम इंटरफेरेंस आपको किसी केस में मिल ही नहीं पाएगा, किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं मिल पाएगा। मतलब कि जो अगर आप बात करिए मिनिमम इंटरफेरेंस की, तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस ओ सॉरी मैक्स मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ होल, अगर शाफ्ट की मिनिमम साइज से आप होल की मैक्सिमम साइज को रिड्यूस कर देंगे तो आपको मिनिमम जो है इंटरफेरेंस यहाँ पे मिलेगा। अगर यही बात करें मैक्सिमम इंटरफेरेंस की, यानी कि आपको ये जो डिफरेंस है ये सबसे ज़्यादा चाहिए होगा, तो सबसे ज़्यादा के लिए क्या होगा कि हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट है ना, यानी कि मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट को आप मिनिमम साइज ऑफ होल से ओ शाफ्ट से मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट से मिनिमम साइज ऑफ होल को रिड्यूस कर दें, घटा दें। मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट कितना होगा ये आपको दिया हुआ है, ये आपका मैक्सिमम साइज है जहाँ पे कर्सर है ना, और मिनिमम साइज ऑफ होल क्या है ये है आपका, तो जब इससे घटाएंगे तो आपको यहाँ पे जो इंटरफेरेंस मिलेगा मेटिंग पार्ट के बीच में वो सबसे अधिक मिलेगा। ठीक है, तो अगर बात करें इंटरफेरेंस फिट की, तो यहाँ पे आपका जो मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट के बीच में, मेटिंग पार्ट के बीच में, असेंबलिंग पार्ट के बीच में, वो मूवमेंट नहीं परमिजिबल ही नहीं होता है, मतलब हाईली टाइट फिट होता है, और इसको आप जो है दोबारा से रिमूव एक बार जब आपकी फिट ऑब्जेक्ट मेट हो जाते हैं या असेंबलिंग हो जाती है, तो आप इनको दोबारा से रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेटिंग पार्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन परमिजिबल नहीं होता है। तो आई होप आप लोग को जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इज इंटरफेरेंस एंड क्लियरेंस फिट, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप अपने क्वेरीज
रेज कर सकते हैं थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप और पर्सनल कॉल और मैसेज। ठीक है, चलिए फिर इस केस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रांजिट फिर, और जो आपकी इस यूनिट में कुछ टॉपिक्स बच रही हैं रिमेन टॉपिक, एक तो आपको एग्जांपल जो है इसके बेस हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ जो टर्मिनोलॉजी में आपके टॉपिक्स छूटे हैं जैसे जीरो लाइन, इन सब के बारे में थोड़ा सा फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को आप यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू टू ऑल।